लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिसेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, लेट टी इज सच दैट आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर बी अ लीनियर मैप सच दैट टू टी टू वन इज इक्वल टू 5 7 एंड टी वन टू इक्वल टू 3 3। इफ़ ए इज द मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू टी विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस ई वन एंड ई टू देन फाइंड द रैंक ऑफ ए। तो हमें एक मैट्रिक्स निकालना है जिसमें टी इज सच दैट स्टैंडर्ड बेसिस टू स्टैंडर्ड बेसिस होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या होगा कि अगर आई आर स्क्वायर का स्टैंडर्ड बेसिस अगर हम देखते हैं, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ इसका ये क्या होगा, ई वन एंड ई टू होता है, यानी 1 0 एंड 0 1, या इसी को क्या कह सकते हैं, ई वन ई टू ये कह सकते हैं। तो अगर हमें मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, टी ई वन निकालेंगे और वो ई वन और ई टू के टर्म्स में होगा। लेकिन यहाँ पे समस्या ये है कि टी ई वन निकालेंगे कैसे, टी का हमें एक्सप्रेशन नहीं दिया हुआ है ना, हम टी ई टू इस तरह से नहीं, जब तक हमें टी का एक्सप्रेशन नहीं पता चल जाता है या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें नहीं पता चल जाता है तो हम ई वन और ई टू, ई वन और ई टू के करस्पॉन्डिंग के टर्म्स में हम नहीं निकाल पाएंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले टी का एक्सप्रेशन चाहिए। टी के एक्सप्रेशन के लिए हम क्या करेंगे कि लेट से कोई पॉइंट है या कोई वेक्टर है जो कि यू में बिलोंग कर रहा है, तो हम यू इस वेक्टर को कैसे ले सकते हैं, इसके बेसिस से के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से, लीनियर कंपोजिशन से, यानी कि दिस विल स्पैन, यू स्पैन्स इट्स स्टैंडर्ड बेसिस आर बेसिस नॉर्मल बेसिस। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं टी टू वन, हमें ये दिया हुआ है टी टू वन इज इक्वल टू 5 7 और टी वन टू इज इक्वल टू 3 3। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टू वन और वन टू इसके बेसिस तो हैं बट ये स्टैंडर्ड बेसिस जनरेट नहीं कर रहा है। इसके स्टैंडर्ड बेसिस क्या हैं, ई वन और ई टू, क्योंकि अगर हम इसका अगर इक्लियन फॉर्म की मैट्रिक्स निकालते हैं तो ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट वैक्टर्स हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये दोनों वैक्टर्स इसके बेसिस होंगे इस वैक्टर स्पेस के U के, पर हमें चाहिए स्टैंडर्ड बेसिस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी इसका एक वेक्टर जो कि U से बिलोंग कर रहा है, दिस विल स्पैन इट्स आर नॉर्मल इस बेसिस स्टैंडर्ड बेसिस आर बेसिस, ठीक है, अप टू वन और वन टू को अगर हम देख सकते हैं, यहाँ टू वन या वन टू इधर पहले लिख देते हैं और टू वन अगर हम इसको देखें, वन टू यहाँ पे 0 यहाँ -3, ये इक्लियन फॉर्म में अगर हम देख रहे हैं तो दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, ये बेसिस होगा इसका टू वन और वन टू, तो इससे कोई भी वेक्टर्स बना सकते हैं। लेट्स से वो अल्फा टू वन प्लस बीटा वन टू होगा, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टू अल्फा प्लस बीटा कॉमा अल्फा प्लस टू बीटा, तो यहाँ से अल्फा और बीटा यानी कि ये जो है टू अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, एक्स है, और टू यानी अल्फा प्लस टू बीटा ये क्या है, वाई है। अब इन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं तो इससे अल्फा क्या आ जाता है, वो हमारा आ जाएगा 2x माइनस वाई बाई 3, और बीटा अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2y माइनस एक्स बाई 3, ठीक है। अब इन वैल्यूज को हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रख देंगे,
तो इस तरह से एक्स वाई का एक्सप्रेशन क्या आ गया, अल्फा की वैल्यू 2x माइनस वाई बाई 3 इंटू 2, 1, 2, 1 प्लस बीटा की वैल्यू 2y माइनस एक्स डिवाइड बाई 3 इंटू 1, 2, 1, 2। अब यहाँ पे हम, अब हमें t21 पता है और t12 भी पता है, तो हम इसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले सकते हैं txy दोनों तरफ। अब ये क्या है, कांस्टेंट है। अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t है तो ta अल्फा प्लस b बीटा को अगर एक्सपेंड करते हैं तो क्या आता है, at अल्फा प्लस bt बीटा होता है। बस इस चीज का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, 2x माइनस वाई बाई 3 इंटू t21 प्लस 2y माइनस एक्स बाई 3 इंटू t12। ठीक है, अब यहाँ से 2x माइनस वाई बाई 3 इसकी वैल्यू क्या है, 5, 7 और इसकी वैल्यू क्या है, 3, 3। तो हमें अब t का एक एक्सप्रेशन मिल गया है, अब जिससे कि हम t1 और t2 निकाल सकते हैं। t1 क्या होगा, इससे t1 का मतलब t10 जो स्टैंडर्ड बेसिस टू स्टैंडर्ड बेसिस की मैट्रिक्स निकालना है, तो उसमें t10 क्या आ जाएगा, अब x की जगह 1, y की जगह 0, तो अगर इसे हम रखते हैं 10 यानी 2/3 इंटू 5/7 प्लस इधर क्या आएगा, -1/3 3, 3। इसे थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 7/3 कॉमा ये क्या आ गया, 7 × 14 में से 3 गया 11, 11/3 ये आया। इस तरीके अगर हम लोग TE2 निकालते हैं यानी T01, x की जगह 0, y की जगह 1, तो यहाँ से क्या आएगा, -1/3 5/7 प्लस 01 अगर यहाँ रखते हैं तो -1/3 3, 3। यहाँ से क्या आ जाएगा, -8/3 या 01 -1/3 और यहाँ पे 01 रखा तो -1/3 दूसरा टर्म क्या आ जाएगा यहाँ पे, 01 रखा था तो -1/3 और यहाँ पे 0, 0 यहाँ पे एक्चुअली रखना है, 0 क्या होगा और इधर 1 तो इधर क्या आएगा, प्लस का 2/3 और इसे क्या करेंगे, माइनस का 3/3 हो जाएगा। तो यहाँ से 6 - 5 तो प्लस का यहाँ पे 1/3 बनेगा और यहाँ पे 6 - 7 तो यहाँ पे -1/3 बन जाएगा। इस तरह से हमारे पास +1/3 कॉमा -1/3 आया। तो अब TE1 हम निकालें अगर तो क्या हो जाएगा, TE1 E1 कोफिशियंट E2 कोफिशियंट, ठीक है, TE2 निकालें अगर तो क्या हो जाएगा, TE1 हमारे पास क्या है, 7/3 11/3, तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा, E1 क्या है, 1
वन कॉमा जीरो, तो यहाँ क्या कोफिशियंट आएगा 7/3, और ई टू का क्या आएगा 11/3। इस तरीके ई टू टी ई टू यानी टी जीरो वन उसकी वैल्यू हमारी +1/3 -1/3 आई है, यानी ई वन के साथ यहाँ क्या लगेगा 1/3 और ई टू के साथ क्या लगेगा -1/3। तो हमारी मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम स्टैंडर्ड बेसिस टू स्टैंडर्ड बेसिस वो क्या आ जाएगी, दैट विल बी स्टैंडर्ड बेसिस टू स्टैंडर्ड बेसिस। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाता है 7/3 1/3 11/3 और -1/3, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा या मैट्रिक्स आ जाएगी। इसे एक बार समराइज कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन था लेट टी इज सच दैट आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर बी अ लीनियर मैप सच दैट टी 21 इज इक्वल टू 57 एंड टी 12 33। इफ ए इज अ मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू टी विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस E1 E2 देन फाइंड ए रैंक ऑफ ए। तो यहाँ पे अभी रैंक ऑफ ए भी निकालना है। अभी मैट्रिक्स हमारी निकली है, अब इसकी रैंक हम आसानी से निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसे इस मैट्रिक्स को लीनियर इक्लियन फॉर्म में चेंज करना होगा। लेकिन उसके पहले हम इसका प्रोसेस अभी तक जो किया है वो देख लेते हैं। पहले उसमें हमें यू वेक्टर स्पेस था, वी वेक्टर स्पेस था, उसमें स्टैंडर्ड बेसिस E1 E2 हैं। अब स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ यू या IR स्क्वायर ये क्या है 1001 या E1 E2, हमें इसकी वैल्यू निकालना है। इसके लिए हमें टी का एक्सप्रेशन चाहिए। तो सब कभी भी अगर हमें टी का एक्सप्रेशन निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उस वेक्टर स्पेस में कोई एक वेक्टर ले लेते हैं और उस दैट विल स्पैन द बेसिस। अब बेसिस ऑलरेडी हमें 2112 दिए रखे हैं लेकिन वो स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है, बट दे विल स्पैन दिस वेक्टर। सो एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू अल्फा 21 प्लस बीटा 12, ये इस तरह लिख सकते हैं। यानी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वैक्टर्स विल फॉर्म एनी वैक्टर बिलोंग टू दिस वैक्टर स्पेस। तो अगर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं अगर थोड़ा, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ एक्स वाई के टर्म्स में लिखते हैं, उसके बाद टी का एक्सप्रेशन लगाते हैं, दोनों तरफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं। टी 21 और टी 12 की वैल्यू हमें दे रखी थी, अब हम टी 10 या टी 1 टी 2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। टी 1 टी 2 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली तो E1 और E2 के कोफिशियंट ये आ गए। अब इस मैट्रिक्स ए, इसी मैट्रिक्स को क्या बोल रहे हैं वो ए, तो इसका क्या होगा, रैंक निकालनी है। तो रैंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इक्लियन फॉर्म में चेंज करते हैं। तो हम इस ए मैट्रिक्स का इक्लियन फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका 7/3 तो यहाँ पे मैट्रिक्स क्या 7/3 1/3 11/3 और -1/3। इसमें क्या करेंगे, 1/3 कॉमन ले सकते हैं, 7, 1, 11, -1 ये ले सकते हैं। अब उसके बाद इसका रोइक्लियन फॉर्म क्या हो जाएगी, 1/3 लिख सकते हैं, या अगर 11 से डिवाइड कर दें और ऊपर 1/7 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा, इस तरह लिख सकते हैं। उसके बाद अगर 1/3 को हटा भी देते हैं तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो 1, 1/7 और इधर 0 हो जाएगा। अब इधर क्या आ जाएगा, 1/7 मतलब R2 - R1 किया तो ये आएगा कुछ, तो ये हमारी इक्लियन फॉर्म में हो जाएगी। अगर इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं, 1, 1/7, 0, 1 लिख सकते हैं। तो हमारी इस मैट्रिक्स की रैंक क्या हो जाएगी, रैंक इज इक्वल टू 2, क्योंकि नॉन जीरो रोज होती हैं। तो यहाँ से एक लियॉन फॉर्म में इसको चेंज किया और उससे हम रैंक निकाल सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन होता है।